दोस्तों प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आलू मसाला मटरी। तो चलें आज हम एंजॉय करते हैं आलू मसाला मटरी के साथ। ये 250 ग्राम हमने मैदा ले लिया है, ये 4 उबले हुए आलू हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच चाट मसाला है, 1 चम्मच ये अजवाइन है, नमक है और 4 चम्मच ये देसी घी है, तलने के लिए तेल है और ये पानी है। तो चलिए आज हम आलू की मसालेदार मटरी बनाने चलते हैं। सबसे पहले हम एक कद्दूकस ले लेंगे और ये जो हमने उबली हुई आलू लिया है इसको इस तरह से हम मैदे के ऊपर घिस देंगे। ये हमने आलू को घिस लिया। अब इसी में हम सारे मसाले अपने डाल देंगे। ये चाट मसाला है और ये अजवाइन है, ये लाल मिर्च पाउडर है और ये जीरा पाउडर है और इसी में हम ये अपना देसी घी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। अब सबको हमें अच्छी तरह से मिलाना है, इस तरह से। जिस तरह हम मटरी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें इसे गूंथना है। पहले हम आलू को अच्छे तरह से सोक कर लेंगे, फिर हम पानी डालेंगे। अभी थोड़ा सा पानी जरूरत लग रही है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और अच्छे से गूंथ लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा गूंथ के तैयार हो गया है। अब हम चलें मटरी बनाते हैं। अब हम इसकी दो लोई बना लेते हैं इस तरह से और प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आटा डालेंगे और इसको इस तरह से बना के और बेलेंगे। इसको हम ज्यादा देर तक नहीं रख सकेंगे क्योंकि इसमें आलू पड़ा है, अगर हम इसको तुरंत नहीं बनाएंगे तो ये गीला हो जाएगा, इसलिए इसे हमें तुरंत ही बनाना है। बहुत अच्छी मटरी बनती है ये। ये देखिए इसको हमने अच्छे से बेल लिया है। अब एक चाकू ले लेंगे और इसको इस तरह से छेद कर देंगे। ये हमने पूरे में अच्छे से छेद कर दिया है। अब हम एक ढक्कन ले लिया है इस तरह से। आपको जितना छोटा बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप कोई भी ढक्कन या कटोरी ले सकती हैं। अब इसी से हम इसको इस तरह से काट देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से सबको काट लिया है। अब हम ये बीच से सारा आटा निकाल लेते हैं और एक प्लेट ले लेंगे, सारी मटरी इसके ऊपर उठा के रख लेंगे। अब इसी तरह से हम सारी मटरी बना लेंगे। मेरी सारी मटरी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसको तलते हैं। गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें ये तेल डाल देंगे तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम अपना मटरी इसमें डालते हैं। इसको आप आटे में भी बना सकती हैं, आराम से रख दीजिए, बच्चों को टिफिन में दीजिएगा, बहुत पसंद से खाएंगे क्योंकि एकदम चटपटा है ये। अब गैस डालते समय हमें गैस तेज पे रखना है, उसके बाद हमें धीमा कर देना है क्योंकि ये अंदर तक इसको पकाना है। अगर ये तेज रहेगा तो ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर नहीं पक पाएगा, इसलिए डालते समय इसको आप तेज गैस पे डालिए और उसके बाद एकदम धीमा कर दीजिए ताकि ये धीरे धीरे पकता रहे। हम पलट देते हैं इसको।
अब हम इसको धीमा कर दिए हैं, आराम से ये धीरे धीरे पकता रहेगा। ये देखिए हमारी आलू की मसालेदार मटरी बनके तैयार हो गई है। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया मटरी बनी है। अब इसी तरह से हम सारी मटरी अपनी तल लेंगे। ये लीजिए मेरी आलू की मसालेदार मटरी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए आप लोग भी बनाइए और एंजॉय करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।